हाँ जी शहजादे साहब, बताओ क्या बात करने के लिए आए हो? कौन सी हमारी नवी ढोलकी बजानी है? ढोलक तो पुरानी है ताई अम्मी। तेरी ताई अम्मी की ना चपेड़ भी पुरानी है, रीप्ले का बटन दबाओ। अरे भाई क्या हो गया, अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? यहाँ पे रहना आसान काम है क्या? क्यों, क्या मुश्किल है यहाँ पे? सही, कौन से कांटे लगे हुए हैं? एक कीकर का पूरा दरख्त नजर नहीं आ रहा? टिंडो भुखे सुखे डकार, तू कौन? मैं डिप्टी दा यार। डिप्टी शिप्टी का तो पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। बस मेरी कुछ शरारत है। लेकिन अच्छा जी बताएं। सबसे अहम बात तो ये कि अब अगर खानदान में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या इख्तलाफात पैदा हुए ना, तो हम खुल के बात करेंगे और फौरन मसले का हल निकालेंगे, ना कि इस बार भी 5 साल तलखियों और रंजिशों और अलहदगी में ज़ाया करें। मंजूर है ना? मंजूर मंजूर। ते हुण सासू माँ असी करने आ 1-to-1। हाँ तो गल है कि तुसी ठंडियां जुगता मार के ना सारे दे सामने मेरी पोली पोली टोलकी नहीं बजाओगे। हाँ मैनू चिट्टी डांग, लंबा खंबा, जहर दा गोला, हाँ पैड़ी शकल, नहीं नहीं अभी और भी हैं, अभी और भी हैं, कंगर मीसणा बदसली के दी औलाद चुस्ती भी अंबी दे मुंह वाले, ऐ सब नहीं कहोगे। हाँ खास तौर पे मानूर के सामने। ठीक है बेटा, हम तुम्हें कोने में ले जाएंगे, वहां खेल देंगे। इस घर में मेरी रिस्पेक्ट होगी। मुझे सज्जीत आया की तरह मौका ना मिले गिला करने का कि गरीब मुल्ले की अजान यहाँ कौन सुनता है। बाकी है कि मैं अपने सारे काम ना खुद ही कर लूंगा, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, कपड़े इस्त्री करना, यहाँ तक के कपड़े भी धो दूंगा, बस आप मेरी धुलाई ना करना। हाँ लेकिन हाँ, मैं कपड़े फैलाने छत पे नहीं जाऊंगा, मोहल्ले की लड़कियाँ छेड़ेंगी मुझे। ठीक है भाई, हम शजी के दामाद से कपड़े धुला देंगे। क्यों भाई, ठीक है ना? हाँ ठीक, हाँ चलो पुत्र, ये सारी बातें तो ठीक हो गई, लेकिन मुझे ये बताओ कि किस बुनियाद पर ये सारी डिमांडें रख रहे हो हमारे सामने? मैं इसलिए डिमांड कर रहा हूँ कि मैं इस घर में आपका बेटा बन के आ सकूँ और आप लोग मुझे बेटों वाला प्यार दें, ताकि मुझे मैके की याद ना आए। हाँ अच्छा भाई, शर्तें तो हो गई, जल्दी से शादी कर लो ताकि हमने और हमारी बेगम ने मुर्ज खलीफा के टॉप पे चढ़ के दुनिया देख ली है। चल सासू माँ फिर चप्पी पार। अरे लाइन क्यों बनाई हुई आप लोगों ने? हाँ असेंबली हो रही है स्कूल की। अच्छा नूर सुन लिया ना, पड़ गई ठंड। कब तक खफा रहोगी मुझसे? मेरे खफा होने से क्या फर्क पड़ता है आपको? काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने खला पैदा हुए, जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी, और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। बेवकूफ थी मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाई। अगर आपको अपने ससुराल वाले अजीज थे, मेरे सामने तो मेरे माँ बाप थे, फिर आपने मुझे कैसे गलत समझ लिया? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम दुनिया की बेस्ट बेटी हो। जो बेस्ट होने का दावा कभी नहीं किया, वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए था, और अब मैं वो करना चाहती हूँ जो एक बहन को करना चाहिए, सिर्फ अगर तुम मौका दो तो। मौका देने वाली कौन होती हूँ? तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, और मुझे बहुत प्यार है तुमसे। तो पता है कितना मिस किया था मैंने आपको? मैंने